मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम कुलदीप है और मैंने अभी आरआरबी क्लेरिकल में सिलेक्ट हुआ हूँ बीआरकेजीबी बैंक में। तो सिलेक्शन के लिए मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि हमारा एम क्या है, हमें कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। उस चीज़ को डिसाइड करके हमें तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। तो मेरा शुरू से एम था कि मेरे को बैंकिंग में जाना है। अगर आप लोगों का एसएससी या रेलवे में डिसाइड करना है तो आप वो डिसाइड करके उसकी कोचिंग करो। मैंने बैंकिंग का किया 2018 में, मैंने लगभग सारे एग्ज़ाम के मेंस निकाले हैं, प्री निकाले हैं सॉरी, और मेंस में मैं लास्ट में रह गया था, रिजर्व लिस्ट में आरआरबी पीओ में था। और 2019 में मैंने टेस्ट के साथ काफ़ी निरंतर अभ्यास किया है और उसके साथ मैंने फिर इंटरव्यू दिया, लेकिन मेरा आरआरबी क्लेरिकल में हुआ है। और मैंने यहाँ के डीटीएस लगातार ज्वाइन किया है ताकि टेस्ट से हम एकदम प्रैक्टिस कर सकें और निरंतरता बनी रहती है अभ्यास में। और यहाँ बैंकों में विजय जी सर ने मैं जीके में बहुत हेल्प की है और यहाँ आने के बाद मेरे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा है मैंने, जिससे अभी मेरे को ये कॉन्फिडेंस है कि मैं कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करूँ तो प्री को तो मेरे लिए पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। अगर हम तैयारी करते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आता है जिससे हमें ये लगेगा कि हमारा सिलेक्शन श्योर है। अपनी खुद की जो क्या कैपेबिलिटी है वो अपने पर डिपेंड रहती है, तो उस हिसाब से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। उसके लिए अपन को मेहनत करने की ज़रूरत है और मेहनत करेंगे, यहाँ के टीचर से जो भी अपने डाउट हैं वो पूछते रहेंगे और कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, तो आप भी एक दिन ज़रूर सिलेक्ट होंगे। थैंक यू सर।